मारने की वजह से क्या होता है, मछली स्ट्रेस में आ जाती है, स्ट्रेस में आएगी, डर गई गिर गई, तो फिर वो मछली को अगर अपन उनके साथ छोड़ेंगे, मछली के साथ छोड़ेंगे, तो आज एक टाकी में वायरस लगेगा ना, तो कल के दिन दूसरे भी सब टाकी के अंदर रहेगा, क्योंकि मछली को सबसे पहले ट्रीटमेंट देना जरूरी है। जी जी कि जितना अपन ट्रीटमेंट देंगे ना तो उतना बेस्ट है। अभी जैसा भी वो एक टाइम गलती किया था, उसके बाद दोबारा कभी गलती नहीं की, मैंने कभी बाहर से मछली नहीं लिया, खुद का लेके आता हूँ, एक पेयर लेके आऊंगा तो एक पेयर का जो रनिंग चलता है ना वो रनिंग चलाते रहते, एक पेयर से जो स्टार्ट हुआ वो लाइफ टाइम उसे चलाना चाहिए। अभी एक पेयर था, उसके बच्चे निकले, बड़े किए, ब्रीड किया, ब्रीड करके आज 10 पेयर है ब्रीडिंग के लिए लगाए, और बाकी के मैंने 100 पीस साइड में निकाला, क्योंकि क्वालिटी के वजह से। जी जी, क्योंकि क्वालिटी सबसे बड़ा जरूरी है। ये सब एंजल्स के मार्बल एंजल ही है ना सर? सब मार्बल एंजल, क्योंकि आज के टाइम पे ना मार्बल एंजल ना किसी भी शॉप पे आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाकी जो जैसे कि बल्गेरियन सिल्क पॉइंट हो गया, अल्टम हो गया, और माना कपूर हो गया, आप ब्रीड करोगे अगर कंटिन्यू जाना भी चाहिए ना, मार्केट नहीं, अगर मार्केट हाई कॉस्ट की वजह से मार्केट हाई कॉस्ट रहेगा तो हॉबीज भी लेने के लिए डरता है। जी जी जी, क्योंकि अगर एक चीज 5000 की है और वो 5000 के अगर आपने 500 मच्छी आ जाएगा, बोलो वो भी एक कैलकुलेशन रहता है। जी जी, कि एक चीज अगर 500 का लेंगे ताकि में एक ही चीज घूम रहा है 500 रुपए 5000 का, और 50 पीस या लेंगे 500 पीस लेंगे 5000 का, तो पूरा झुंड घूमेगा, मतलब तालाब में एक मच्छी के साथ एक को खाना डालेंगे तो सब आते हैं, वो सब झुंड पूरा आता है। जी, ऐसा मैंने, और मेरे इधर तो आप देख सकते हो एंजल इतना एक्टिव है, हाथ करेंगे ना हाथ, ये भूखे नहीं है, ओके, उनको 3 से 4 टन खाना डाला है, पेट फूल है, पेट फूल है, और तभी कैसा एक्टिव रहना चाहिए। ये कौन सा है सर? ये पूरा का पूरा मार्बल, मार्बल ये थंबनेल से बड़ा साइज है, थंबनेल प्लस, हाँ मतलब पार्सल साइज से थोड़ा बड़ा, पार्सल साइज से बड़ा, ये भी सेल के लिए सर? सब सेल के लिए, एक्चुअली इसका जितना भी आज स्टॉक है मेरा कल शिपमेंट है। ओके ओके, हाँ अच्छा आज ही आया वीडियो में, आगे इसलिए मैंने आपको बोला कि गणेश भाई आ जाओ, अभी जो स्टॉक है आप निकाल लो, ये गणेश भाई पूरा ये थंबनेल साइज का है। ओके, थंबनेल नेल साइज, नेल साइज, हाँ थंबनेल अलग रहता है, नेल अलग रहता है, ये नेल साइज है। जी जी, ये पूरा का पूरा, ये नए नए करके भी है ना, एक ही पेयर का बच्चा है, इनको क्या फीडिंग अभी? टू बी फ्लेक्स फॉर्म्स, हाँ इनको टू बी फ्लेक्स फॉर्म चालू, मतलब प्राइम श्रिम के 15 से 20 दिन के बाद, हाँ जब इनका टेल टेल आता है ना ऊपर शेप जैसा पूरा एंगल शेप आता है ना, तभी हमको टू बी फ्लेक्स रखना है। जी जी जी, थोड़ा डाल के रखना है, खाते 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 जैसा टोचा मार के बोलते ना जी, मुँह मार के ना थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, और खाते खाते वो बढ़ते जाता है साइज उन लोग का। अभी मैंने कैसा एक पेयर का इसमें रखा है, एक मिनिमम मेरे अंदर से 900 साढ़े 900 पीस, टैंक क्या साइज के है? ये 4x10x15 है। ओके ओके, 4x10x15 का टैंक है जी, और ये 4x12x15 का टैंक है, क्योंकि मेरे इधर हाइट सब छोटे रहेंगे, हाँ क्योंकि मेरे को साइफन करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बराबर, और ये भी ये थंबनेल है पूरा। ओके, ये पूरा थंबनेल है, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी रेजर है सभी लोग थंबनेल मांगते हैं। ओके, क्योंकि उन लोगों को कैसा है, आज भले से एक छोटा कॉस्ट से लेंगे हमसे, कॉस्ट से लेके एक महीना ग्रोथ करके मार्केट में जो रेट चल रहा है वो रेट से हम लोग बेचते हैं, मतलब दो पैसा उनको भी मिलता है। जी जी, और मेन है कि बिजनेस, बिजनेस के साथ अपन मतलब कुछ भी इधर काम भी कर रहे हैं और घर के अंदर मछली पाल के दो पैसा तो निकाल रही है ना। जी, मतलब एक तो एक मछली पालना भी बहुत अच्छा है। जी, मतलब एक वास्तु में लिखा है कि मछली पालना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी अपन थके हारे घर पे आते हैं ना तो मछली को देखते रहेंगे ना, तो एक तो अपना आँख का रोशनी एकदम कड़क अच्छा रहता है। जी, और सामने एक मतलब एक जीव घूम रहा है, एक जान घूम रहा है ऐसा लगता है, और उसको फीडिंग करते से जब ऊपर आते हैं ना सबसे बेस्ट इतना अच्छा लगता है ना कि मैं भी इतना थक के भी क्या आता हूँ ना। ओके, तो सबसे पहला मैं मछली को फीडिंग करता हूँ। ओके ओके, मछली को फीडिंग करता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ इन लोगों को फीडिंग किया तो मेरे मन को संतुष्टि मिल गई, और सबसे बड़ा तो एक पुण्य का काम है। जी, मछली पालना और मछली पैदा होता है कुछ भी होता है सब पुण्य का काम है। जी जी, क्योंकि समंदर में तो इतने सारे मछलियाँ है, उन लोग जब तक निकालते ना तब तक उतना प्रोडक्शन होते रहता है। जी जी, और अपने इधर कैसा जाते रहता है, प्रोडक्शन होते रहता है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट सब पूरी होती रहती है, हॉबी भी पूरा होता है। हॉबी पूरा हो रहा है। ये गणेश भाई ये मतलब कॉइन साइज से है ना? हाँ थोड़े छोटे, 1 रुपये कॉइन साइज, हाँ 1 रुपये कॉइन से छोटे। ओके,
क्योंकि अभी ये 300 पीस है। हाँ ये 300 पीस है। ओके एक कस्टमर के ऑर्डर के। हाँ ये भी कल शिपमेंट है। ओके हाँ क्योंकि ज़्यादा करके मैं बाहर नहीं भेज पा रहा हूँ। हाँ क्योंकि मेरा लोकल में इतने जब कस्टमर्स हाँ है ना। हाँ तो सब मांगते जा रहे हैं मेरे से। ओके ओके लोकल में इतने हैं ना कस्टमर। हाँ, हाँ, कि उनका ही रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है जी। और बहुत सारे जैसे कि आपके व्यूअर्स की वजह से ना बहुत सारे लोग ने और देख लिया है वीडियो। हाँ, जैसे पूना में अभी पूना में मेरा शिपमेंट हुआ था। हाँ, कुछ 1000 पीस एंजल का। ओके तो इतना है अगर शिपमेंट आप मांग रहे हो मिनिमम 5000 रुपीज़ का शिपमेंट बोलो का मछली चाहिए आपको उतना लो। हाँ, क्योंकि आपका कॉस्ट बचेगा शिपिंग का। क्या होता है अगर आप 500 पीस 1000 पीस के लिए लोगे ना तो आपका शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है। क्योंकि मैंने किसी भी कस्टमर को बोला हूँ कि अगर आपके इधर भेजना है तो मिनिमम जो शिपिंग कॉस्ट है ना वो आपको पे करना है। और रही बात 1000 रुपये का 2000 रुपये का मच्छी आप लोगे तो उसमें आपका सिर्फ लॉस है। जी तो आप क्या प्रॉफिटेबल लोगे उसके अंदर मेन वो जरूरी है। आपको कुछ प्रॉफिट के लिए चाहिए तो आप मंगा सकते हो मेरे से। मेरा शिपिंग पुणे और अदरवाइज भी होएगा क्योंकि अभी आपके वीडियो से तो बहुत कमेंट तो आ रहे हैं बहुत जन फोन कर रहे हैं। ये सब फीमेल है। हाँ अभी थोड़े दिन में इन लोग को थोड़ा एक लेके से छोड़ूंगा। ओके ओके अभी इनका सेटअप चालू है। क्लाइमेट की वजह से है ना थोड़ा फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करना है। फीमेल का कैसा है ना डॉट है ना इधर। हाँ थोड़ा कम रहता है जो ऊपर का डॉट है ना। हाँ कम रहता है और नीचे का जो बॉडी शेप है ना वो राइट शेप में रहता है एंगल के से। हाँ एंगल शेप में मैं आपको इसका फोटो दे दूंगा। जी जी मेल फीमेल का आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन जैसे कि आपने मेरा सबसे पहला जो वीडियो था आइडेंटिफिकेशन का उसमें आपको एंजल का मेल एंजल का आपने बताया था। क्योंकि लोगों मगर इतना है कि एंजल का इजी है। हाँ डॉलर का थोड़ा मुश्किल ब्लैक कोस्ट का। हाँ मतलब सभी मच्छी का थोड़ा थोड़ा ईजी नहीं सबको लगता है ईजी है मगर मुझे पता है क्योंकि मैंने जो मेरा 19 साल का जो एक्सपीरियंस में मैंने क्या क्या सीखा है खुद ब खुद वो मुझे पता है। क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। हाँ तभी मौली गप्पी ट्रेंजेलिन ये सब करता था। और आज के टाइम पे ऑलराउंड फिश सही है क्योंकि जगह बड़ा मिले तो और प्रोडक्शन करूँ जी और लोगों को दिखाऊँ। ये गणेश भाई ये एंजल है थंबनेल 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 से भी थोड़ा बड़ा मिक्स है। ओके ये भी कल का शिपिंग है। ओके क्योंकि कल पूरा रात भर गिरना है और सवेरे ये ड्यूप्लिकेट फॉर्म डालेंगे। हाँ ड्यूप्लिकेट फॉर्म डालो। ओके एकदम बाइट करके एकदम खा रहे देखो। जी 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 क्या होता है डाल के रखेंगे ना। हाँ जो भी भूखा है वो तो खाते रहेगा और हाँ उसका पेट भरा है वो नेक्स्ट टाइम खाएगा। हाँ हाँ पेट खाली होने के बाद मतलब हजम होने जाएगा। हाँ जो भूखा है वो आ जाएगा। हाँ सही है सही है। ये गणेश भाई ये भी एंजल ही है पूरा थंबनेल से बड़ा बड़ा। मतलब एक टैंक में मैंने 500 डाला है। जी जी क्योंकि मेरे पास अभी टैंक नहीं है ज़्यादा। जी क्योंकि नया सेटअप है नया हैचरी है। हाँ तो के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे भी वक्त मांगता है। बराबर क्योंकि ऐसा चीज़ है कि मैं काम भी कर रहा हूँ और सवेरे टाइम भी दे रहा हूँ इधर और शाम को भी टाइम दे रहा हूँ। जी जी मतलब इतना बिजी शेड्यूल है मगर बिजी शेड्यूल में भी मैंने सब व्यूअर का कॉल उठा के सभी से बात किया हूँ। जी और मैं तो सभी लोग बोलते कि सब कितने जन को मैंने फ़ोन किया मगर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। हाँ मगर तुमने रिप्लाई दिया बहुत अच्छा लगा। पहला मेरा स्वभाव सभी से अलग है क्योंकि मैं इंसान कमाता हूँ। पैसा तो सभी कमाएंगे सही है। मेरा मेन सबसे बड़ा इंसान कमाना चाहिए। जिस टाइम पे आप इंसान कमाओगे ना तो हाँ पैसा खुद बगैर आपके बिजनेस बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये ऑस्कर है ऑस्कर के पेयर ब्रीडिंग पेयर है। हाँ ब्रीडिंग पेयर है ये लास्ट नवंबर में ब्रीड हुआ था। ओके ओके लास्ट। हाँ हाँ तो अभी वो चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ओके ओके इसका जो रेनिंग जो सीजन आता है ना हाँ तब भी उसका ब्रीड होएगा। ओके नेक्स्ट ये मार्बल एंजल के है ना मेल से। ओके मेल सिर्फ 4 ही मेल बचे हैं फीमेल थोड़े डिस्टर्ब हो गए। ये फाइटर से हाँ ये वाइट हाफ मून फाइटर है। ओके हाँ और ये रेड फुल मून है और जो फीमेल है ना मैंने एक ले करने के लिए ना मतलब पेयरिंग होने के लिए मैंने फीमेल इसके अंदर रखा है बाटली के अंदर। ओके जब भी मेल पूरा बबल बनाएगा ना हाँ तभी वो एक ले करने के लिए तैयार हो जाएगी मतलब सेट हो जाएगा। तो किसी व्यूअर को फाइटर या ऑस्कर का एंड इवन सिल्वर डॉलर का कुछ ब्रीडिंग में डाउट रहेगा तो आपको कॉल कर सकते हैं। हाँ कर सकते
क्योंकि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मगर थोड़ा वक्त जाएगा। अभी तो कुछ मेरे से गए टाइम पे ब्रीड हुआ था, कुछ 10-12 बच्चे है उसके अंदर, क्योंकि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे एंजल पे इतना फोकस करना पड़ रहा है कि मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया। मगर अभी इतना है ये इसके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि कोई कस्टमर आएगा सिर्फ एंजल ही लेना नहीं चाहिए, दूसरा भी प्रोडक्शन हुआ है वो भी ले, कि थोड़ा थोड़ा करके तो ये भी सब जाएगा। अभी गणेश में ये सब में है ना एंजल है, 100 पीस आ रहा हूँ, 100 पीस। ओके ओके, क्या साइज का किस आगे? ये थंबनेल से बड़ा है। ओके, थंबनेल से बड़ा है। आप रिटेल का क्या होलसेल दोनों? देखो कैसा है, सबसे पहला है ना, अगर मेरे इधर कोई भी शॉपकीपर रहेगा ना तो उसको अगर 100 पीस चाहिए तो मैं रिटेल करूँगा। ओके, और लॉट चाहिए तो होलसेल। जी, जो मतलब कोई ऑफिस को कम पीस चाहिए तो? कम पीस चाहिए तो उसको जो रिटेल का भाव। ओके, मतलब आप अगर 100 पीस लेओगे ना तो रिटेल के भाव में जाएगा। जी, अगर आपको 500 पीस चाहिए तो मेरा होलसेल का रेट अलग। जी, क्योंकि क्वांटिटी में फर्क पड़ता है, क्योंकि 100 ले लिया, अगर मैंने नेटिंग किया, अगर समझो एक टक में 500 मच्छी है और मैंने 100 पीस से नेटिंग किया, मछली स्ट्रेस पे आ जाएगी। जी जी, और एक मछली को भी बीमारी लगी फैलती रहेगी तो फैलती रहेगी, तो मैं 100 मच्छी के लिए 500 मच्छी का क्यों नुकसान ले लूं। जी, ये गणेश भाई ये भी मार्बल एंजल है। ओके, ये अभी एक शॉपकीपर वाले लोग लेने वाले, मतलब और 15 दिन में है ना रेडी पोजीशन पे आ जाएगा ये पूरा। ओके ओके, मतलब जो कॉइन साइज आता है ना, जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, शॉप में अवेलेबल रहता है ना, वो उसके लिए ये 100 पीस मैंने रखा है। छोटा सवाल था, आपने मुझे कुछ आलमंड लीफ के बारे में बताया था, तो वो क्या थोड़ा और डिटेल में बता पाएंगे? क्योंकि आलमंड लीफ फाइटर के लिए आप बहुत उपयोगी चीज़ है। तो अगर आप फाइटर में ब्रीड कर रहे हो तो एक्चुअली कैसा है, अपन जो अभी फाइटर कोई भी ब्रीड कर रहा है या तो फिर कोई पाल रहा है, एक बॉक्स के अंदर, मतलब फाइटर का एक कंटेन आता है छोटा, अगर आप आलमंड लीफ डालोगे ना, जैसे कि आपने बोलते ना सवेरे सवेरे अपन उठ के अगर सूर्य का जो रोशनी लेते तो अपने अंदर कैसा प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा बढ़ता है। जी जी, और अपना कैसा सुस्तीपना जैसा बोलते हैं ना, वो अपने को फीलिंग नहीं होता। और आलमंड लीव का क्या है मालूम है, अगर फाइटर आलमंड लीव की वजह से ना सुस्ती नहीं रहती है, उसको कैसा मालूम है, जितना कैल्शियम चाहिए बॉडी में, विटामिन चाहिए ना, आलमंड लीव की वजह से मिलता है। क्योंकि आपने को भी, इंसान को भी वही चीज़ चाहिए और मछली को भी वही चीज़ चाहिए, क्योंकि अभी समझो एक कोई चीज़ बीमार है फाइटर में कैसा, फाइटर का पानी अपन जल्दी चेंज नहीं करते एक एक हफ्ता भर, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देगा तो बात अलग है, विदाउट ऑक्सीजन है क्या उसके अंदर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा है ना अमोनिया स्पाइक होने का ज़्यादा चांसेस है। जी जी, कभी कभी फिन झुका के एक कॉर्नर पे खड़ा रहता है, तो इसलिए ना जरूरी है आलमंड लीव डालना। ओके, आलमंड लीव ज़्यादा भी नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा डालना है, ड्राई होना चाहिए। हाँ, ड्राई मगर रेड होना चाहिए, जैसा कि ये रेड दिख रहा है। ओके, ओसा रहना चाहिए, इतना सा टुकड़ा अगर डालोगे ना 2 या 3 दिन में ना आपका पानी है ना थोड़ा नारंगी कलर में, क्योंकि वो एक लिक्विड का काम करता है। ओके, और उनके इम्यूनिटी बढ़ाता है। जी, और ये सबसे फाइटर के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ है। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ जल्दी बताते नहीं है तो हमारे पास तो वो सब चीज़ मिल जाता है, क्योंकि पता है कि बाबा गणेश भाई सभी के लिए हेल्प करते रहते हैं, वो चीज़ जरूरी है। निरंजन भाई, ये मेरी मम्मी है। नमस्कार नमस्कार। तो मेरी मम्मी है कि जो कुछ भी हूँ आज इनके वजह से और मेरी मौसी की वजह से, मतलब कुछ भी है आपने लास्ट वीडियो में भी बताया। हाँ बताया, जैसे कि मेरा मौसी की वजह से और मम्मी की वजह से। इसका बचपन से शौक है मच्छी पालने का, ये काम करने का, वो काम करने का, ज़्यादा मच्छी में इंटरेस्ट में ये है। सही है कितना गुस्सा कर गए तो भी उसी में घुस जाता है, सुनता ही नहीं है, उसका शौक है वो करने का। अभी अच्छा कर रहे हैं आपका लड़का, काफी जन को हेल्प कर रहा है, काफी लोग को मदद कर रहा है, वो बड़ी बात है। रात रात को भी कॉल आते रहता है, रात रात को भी कॉल आता है कुछ, मगर इतना है कि कस्टमर को, जितने भी व्यूअर्स है अपने, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि 10 बजे के बाद आप फ़ोन करो और शाम को 7 बजे तक, या तो फिर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो, क्योंकि क्या होता है मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ, कभी डिस्टर्ब हो जाऊँगा तो आग बंद हो जाएगा, या तो फिर डिस्टर्ब हो गया तो फिर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने से अच्छा है आप व्हाट्सएप कर दो, मैं किसी का भी आंसर देता ही हूँ। ऐसा भी आज मैं, आप मेरे वीडियो पे जितने भी कमेंट्स हैं आप देख सकते हो कि मैंने सभी को हेल्प किया है, ऐसा भी एक भी नहीं कि नेगेटिव कमेंट, ऑल कमेंट्स इज़
पॉजिटिव, क्योंकि सबको लग रहा है कि हाँ इंडस्ट्री में एक बंदा है कि वो सभी को हेल्प कर रहा है, बोले से हॉबीज रहे, ब्रीडर रहे, बिगनर्स रहे, हर एक जन के लिए, क्योंकि ऐसा रहना चाहिए कि मछली को कुछ बीमार पड़ा, फंगस आया, कुछ भी चीज़ फ़ोन कर दें, हाँ बाबा ये लगाओ, ये दवा डालो, 100% हो रहा है उनके पास, क्योंकि उनको पता है कि बाबा कोई सभी को फ़ोन कर रहे हो, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, कोई बोलता है कि बाबा अभी टाइम नहीं है, और कोई बोलता है कि भाई मैं बाद में कॉल करता हूँ, अगर उनका कॉल उनके पास आता नहीं है, अगर उनको पता है कि बाबा डिस्कस मीडिया पे एक बंदा है जिसको हम मार्बल किंग से सब जानते हैं, वो बंदा जरूर मदद करेगा, क्योंकि उनके कमेंट अपन देखेंगे ना तो ही मालूम पड़ता है कि बाबा हाँ ये चीज़ होता है इधर उनके पास। जैसे कि डिस्कस इंडिया का काफ़ी वीडियोस आपको पसंद आते हैं, मेरे कंटेंट भी ज़्यादा पसंद आते हैं, और मेरा भी जो चैनल है तो वो भी ज़रा सब्सक्राइब कीजिए। क्या नाम से सर? मेरा जैसे गणेश एलिगेटी करके चैनल है, यूट्यूब चैनल। हाँ, जैसे कि मैंने गए टाइम पे थर्ड पार्ट में मैंने दिया था, तो इस टाइम पे थोड़ा और अच्छा होना चाहिए सब्सक्राइब, की वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए और नए भी बाकी लोग भी आए ज्वाइन हुए, क्योंकि क्या है कि जो बंदा नॉलेज दे रहा है तो उसके साथ अगर ज्वाइंट होके अच्छा लग रहा है कि बाबा हाँ ये बंदा कुछ हेल्प कर रहा है, तो इसके लिए आप मेरा भी चैनल और डिस्कस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डालिए, क्योंकि सभी को नॉलेज मिलना चाहिए। सो थैंक यू गणेश भाई, आपने टाइम देके आपका नया एच के दिखाया, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम सर। और ये मेरा दोस्त है, मतलब मेरा अभिषेक भाई, आशीष भाई, आशीष भाई सॉरी करके, तो मेरे को जब भी टाइम नहीं रहता ना तो ये और एक जैसे कि मैंने एग्जीबिशन में बोला था अभिषेक करके, ये एक्चुअली एक सिंगर, अच्छा मतलब अभी उसने लिरिक किया है, सॉन्ग भी डाला है यूट्यूब पे, बहुत मस्त सॉन्ग है। ओके, और इसका जो लिंक है आप जरूर डिस्क्रिप्शन पे डालो, हो रहा है कि थोड़ा और अच्छा लगेगा। जी जी, अभी जैसे आशीष भाई बता देंगे क्या है क्या नहीं करके। जैसे कि मेरा सॉन्ग है जुदा, गाने का नाम है जुदा, मेरा ऑफिशियल आईडी है सिंग विद एश ऑफिशियल, यूट्यूब आईडी है चैनल। तो जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से गाना लिख रहा हूँ, जैसे कि मेरे को 10-15 साल हो गए रहेंगे गाना लिख के, बट मैं कभी छोड़ नहीं पाता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये वगैरह, तो मैं कैसा सिर्फ लिख के रखता था, तो लिख के रखता था, काफ़ी टाइम हो गया लिख के रखा मैंने, तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने सोचा, तो मैंने थोड़ा ध्यान अपना छोड़ ही दिया था, मैं बोला जाने दो क्योंकि अब हो रहा नहीं है मेरे से, तो मैं कुछ मेरे को लगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो वैसे का वैसे गाने लिखे रहे मेरे पास। तो फिर एक थोड़ा हौसला आया मेरे को, तो मैं थोड़े बहुत पैसे आए थे, मैंने कहीं काम किया था, तो वो काम से मैंने रिकॉर्डिंग किया अपना गाना, वीडियो बनाया मैंने अपना, तो मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो आया है जुदा, गाने का नाम है जुदा बाय हैश। आप सभी सुनिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप बने रहे हमारे साथ, जल्द से जल्द हमारा दूसरा गाना भी आएगा, ऐसे बहुत सारे गाने मेरे, फिलहाल मेरा एक गाना छूटा है, तो ऐसे आप बने रहोगे तो आपको और भी गाने मिलेंगे, अच्छे गाने मेरे, आप सुनिए आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे इधर सब कलाकार ही आते हैं, क्योंकि मेरे इधर सब कलाकार ही है, खुद ही बड़े कलाकार, मैं खुद बड़ा कलाकार हूँ, क्योंकि एक तो मेरा फैशन है, मैं इसको कभी ना बिजनेस के साथ देखा नहीं, सही बोले, क्योंकि मछली पालने से लेकर ब्रीडिंग करने तक मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी, और रही बात तो गणपति और देवी में भी मैंने एक आर्टिस्ट भी हूँ, मतलब जैसा कि गणपति भी हीरे जड़ी वीडी लगाते हैं ना, वो भी हूँ, मतलब ऑल टाइम बिजी, सही है सही है, ऑल मंथ ऐसा मेहनत ही मांगता ही मांगता है, तो अच्छा है क्योंकि हर एक चीज है। जी जी, अभी जैसा कि ये सॉन्ग करता है, इसको भी कभी हेल्प लगा तो हम मदद करते हैं, और ये मेरे लिए तो हमेशा खड़ा रहता है, जैसे कि इमरान हो गया, अभिषेक हो गया, और ये हो गया आशीष बिंदास, कभी भी बुलाए आए, क्योंकि पता है बाबा किधर ना किधर एक लिंक जुड़ के रहता है, एक दोस्ती का नाता बोलते ना, एक बड़े भाई का नाता वो नसी में। थैंक यू गणेश भाई। ऐसी क्या हुई खता, लो हो गए हम जुदा, चाहा तुझे मैंने, चाहा है बेवजह, तेरी यादों से गुजरे हैं मेरे दिन, अब ना रही कोई जीने की वजह, अपना मुझे बना फिर से तू एक बार,
कहता हूँ मैं तुझसे, हुआ है मुझे प्यार।